एम सॉरी दैट आई कैप यू वेटिंग है ना मान लो कि कुछ तो प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से तुम्हें थोड़े से देर इंतजार करना पड़ा और जैसे ही स्वधा भास्कर ने लिखा कि जल्दी आओ ना मैम प्लीज़ तो बड़ा अच्छा लगा सच्ची देख के है ना तब से मैं वो वेट ही कर रही हूँ उसका क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो लाइव नहीं हो पा रहा था लेकिन मैं कमेंट्स तुम्हारे पढ़ पा रही थी है ना तो इतनी शिद्दत से मेरा इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माय नेम इज़ मोनिका बेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस चैप्टर पिरियॉडिक प्रॉपर्टीज ठीक है अब यहाँ जिन बच्चों के चेहरों पे मुस्कान दिखाई दे रही है और वहाँ जो बच्चे मेरे सामने बैठ के अभी सेशन देख रहे हैं उनके चेहरों पे भी ऐसी ही मुस्कान आती रहे इसके लिए हम कोशिश भी करते रहेंगे और इसके लिए हम प्रेयर्स भी करते रहेंगे ठीक है और इसके लिए हम पॉजिटिविटी से काम भी करते रहेंगे ठीक है ये पीरियॉडिक टेबल आपको दिखाई दे रही है सबसे पहले मुझे आप ये जेई का एडवांस का क्वेश्चन करके दिखाओ देखें आपको आता है कि नहीं आता है क्विकली और सेशन को शेयर कर देंगे आई लव यू बच्चो लव यू सो मच सही फटाफट से बताओ द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन की वैल्यूज आपके सामने दी गई हैं ये जे एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये पूछा गया है कि एन की वैल्यू टेन से छोटी है ठीक है वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन एन की क्या वैल्यू होगी इट शुड बी स्मॉलर देन टेन और आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल्स के डेटा दिए गए हैं केयरफुली इस डेटा को ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो आयरन पार्ट ने यहाँ पे आंसर दे रहे हैं नाइन नाइन आंसर आ रहा है आर्यन पाटनी का आई एम गुड अरेहंत आई एम गुड 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 एनीवन वन एल्स विद्याधर इज आल्सो गिविंग आंसर नाइन सही भी नाइन जो मतलब मेरे को ये पकड़ में आता है मुझे लास्ट वाले ऑप्शन से ये पकड़ में आता है ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन मेरे पकड़ में आता है कि जरा देखिएगा अगर मैं सेवन थर्टी एट और वन फोर फाइव वन के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे दिखता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती तो है ये बात तो हम जानते हैं ठीक है यानी एक के बाद अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा जोर नहीं आ रहा है डबल ही हो रहा है प्राइज हाइक बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है तो इसका मतलब मुझे ये अल्कली अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस जगह काफी ज्यादा गैप आ रहा है यहाँ काफी ज्यादा गैप आ रहा है क्योंकि सीधा 1400 से 7700 हो चुका है तो दे इज अज गैप बिटवीन द टू डेटा सो विच मीन्स इट हैज टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट वन तो ये होगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कौन से हैं मेरे आप नहीं ले सकते क्योंकि ये जिस तरह का डेटा ये दे रहा है आ, तो आपको ये नेक्स्ट वाला मैग्नीशियम कंसीडर करना पड़ेगा तो इसका इसका मतलब एटॉमिक नंबर है इलेवन फिर इसका हो जाएगा टेन तो और इसका हो जाएगा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं एडवांस का क्वेश्चन है क्रॉस चेक तो अपने को करना ही चाहिए ठीक है तो देखो इलेवन वाले का जो महंगाई होगी वो एक इलेक्ट्रॉन देते ही बढ़ जाएगी क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है टू एट वन तो इलेवन वाला एक इलेक्ट्रॉन देते ही प्राइस हाइक कर रहा है तो बिल्कुल ये सेटल बैठता है अपने ऑब्जर्वेशन uh, पे अच्छा टेन वाला एक नोबल गैस है जो इलेक्ट्रॉन दे भी महंगे में रहा है और आ, मतलब काफी महंगे में ही दे रहा है शुरुआत से और नाइन वाला जो है वो फिर ये डेटा तो पूरा डेटा ये बिल्कुल मैच लग रहा है एंड एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी नाइन हो जाएगी तो एडवांस का क्वेश्चन आप कर चुके हो ठीक है एन की वैल्यू नाइंगी है एडवांस का आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन किया है ये आप टू थाउजेंड ट्वेल्व का जेई का क्वेश्चन करो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट टाइमेशन एंथैल्पी और क्यों कॉमा लगा के क्यों लिखोगे तभी मैं आपका नाम शाउट आउट करूंगी ठीक है गुड आफ्टरनून स्वाति गुड आफ्टरनून स्वादा स्वादा से तो मैंने भी बात की थी बीच में स्वदा चली गई थी के? बताओ बीच हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन थे इनमें से कौन से एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनथेरपी फर्स्ट वाली हाईएस्ट है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट -फड़ से और क्यों है जब तक आप मुझे कॉमा लगा के रीजन नहीं बताओगे ना तब तक मैं फिर नाम नहीं शार्ट आउट कर रही मैम मैंने आपका फुल थर्मोडाइनमिक्स देखा पांच घंटे बीस मिनट में एंड आई एम एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन अरे वाह कार्तिक वेरी गुड बेटा थैंक यू सो मच मुझ तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि एक साथ बच्चे साढ़े पांच घंटे मेरा लेक्चर देख रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं थैंक यू सो मच बेटा गॉड ब्लेस यू यहाँ पे माधव और राजकमल देखो आंसर कर रहे हैं अरिहंत भी आंसर कर रहे हैं कि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड बट एक्सपेक्टेड तो ऑक्सीजन है एक्सपेक्टेड ऑक्सीजन है कि भाई बोरॉन से ज्यादा कार्बन की होगी कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की होगी नाइट्रोजन क्योंकि पीरियड वाइज जो वेरिएशन पड़ते हैं हमेशन का वो बढ़नी ही चाहिए क्योंकि साइज छोटा हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन के बारे में बताया था कि यार यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है हैं ऑर्गेनिक इज फुल ऑफ एक्सेप्शन की नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है और उसका कारण क्या है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी क्या रीजन है हाफ फिल्ड हाँ, felt All right. so, कारण नहीं पूछा था क्वेश्चन में सिर्फ एलिमेंट पूछा था नाइट्रोजन तो अगला क्वेश्चन करेंगे आपकी जो आपने पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी किसकी ज्यादा होगी हर एक में से आपको एक एक सिलेक्ट करना है <coughs> किसी कोचिंग मटीरियल को प्रिफर कर सकते हो राजकुमार और उसके अलावा पीवाई क्यू खरीद लो पीवाई क्यू की बुक खरीद लो क्या लग रहा है फ्लोरीन क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन होगी देखो माधव आंसर दे चुका है मैम मुझे इनऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ अरे कई बार मेरे पास शब्द नहीं होते हैं तुम्हें बोलने के लिए लेकिन इमोशन बहुत होता है क्लास का शेड्यूल समक्ष अभी थोड़ा सा वैसा चल रहा है टू थर्टी होती है मंडे वेंसडे फ्राइडे लेकिन अभी क्या पेपर डिस्कशंस चल रहे हैं जिसका आज आखिरी दिन है फिर टू थर्टी पे ही होगी बिल्कुल टाइम पे थैंक यू माधव हाँ करेक्ट आंसर सी है भाई क्लोरीन क्लोरिन क्लोरीन में जो क्लोरीन का ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन के मामले में बाप है ठीक है तो फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन का ज्यादा है सल्फर में से सल्फर का ज्यादा है और लिथियम और सोडियम में तो सोडियम का साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से नहीं होगा लिथियम का होगा तो क्लोरीन सल्फर लिथियम थ्री इज द करेक्ट आंसर तो ये हमने तीन पी वाई क्यू निपटाए है, है ना तीन में से स्कोर अपना मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करना में कि तीन में से आपने कितने सही किए मेन मैं आपको ये बता दूं कि यलगार रिलोडेड लोड, एम, शूट हम एक बार फिर से तैयार हो गए हैं हमारे सारे के सारे बच्चे एक बार फिर से रेडी हो गए हैं यलगार को रिलोड करने जा रहे हैं चैप्टर वन से फिर से स्टार्ट हो रहा है थर्टी फर्स्ट जुलाई इज द डेट मेरी क्लास फर्स्ट ऑगस्ट से शेड्यूल्ड है चैप्टर वन यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से यलगार एक बार फिर से चालू हो रहा है दो पैरेलल सेशंस चलेंगे रनिंग एलगार चलेगा साथ में पूरा बैकलॉग चलेगा तो अगर आप में से जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हम लोगों को ठीक है जैसे मेरा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स एंड फिजिक्स में भी चैप्टर वन से फिर से स्टार्ट हो रहा है जुलाई थर्टी से तो जो बच्चे अब ये सोचे अब डिसीजन लिए जेई का तो वो बच्चे थर्टी जुलाई से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेकर के और आप आ जाओ एंड सब्सक्रिप्शन बहुत हेवी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं वो भी मैं

यार दोनों के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग एटम है, है दोनों की न्यूक्लियस की क्षमता अलग होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने के लिए इसी इसी फौर, फौर, इसी फंडे पे तो टग ऑफ वॉर गेम चलता है कि दो डिफरेंट टीम है तो एक ना एक टीम तो जीतती ही है जिसका जज्बा ज्यादा होता है जिसकी हिम्मत ज्यादा होती है जिसकी ताकत ज्यादा होती है तो जब टग ऑफ वॉर में एक ना एक टीम डोमिनेट करती है तो यार इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भी एक ना एक तो डोमिनेट करेगा ना तो के 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 अंदर किसी आटम की ये tendency की वो shared pair of electron को अपनी तरफ ज़्यादा खींच खींच रखे जैसे यहां आटम बी ने के रखा हुआ है ऐसे एटम को हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे Is it clear? Tendancy, अब इसको spam कर दो बॉक्स में टेंडेंसी टू ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये चीज समझना बहुत जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आता है ना तो हमारे को कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है तो वॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार न्यूक्लियस में अंतर होने की वजह से एक थोड़ा ज्यादा खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा थोड़ा सा डाउन की तरफ रहेगा तो वो वाला एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टूवर्ड पेयर हम ये भी मान सकते हैं कि, कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे शेयर्ड इंटेंसिटी अलग है क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अलग है एटॉमिक नंबर सेवन वाले के पास सात प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर आठ वाले के पास आठ प्रोटॉन है तो दोनों के न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन होने के कारण मैग्नेट की पावर्स अलग अलग होंगी तो जो ज्यादा अट्रैक्ट मर रहा है वो क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा क्लियर अब इस चीज पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका लाइक like, इंपैक्ट पड़ता है जैसे कि तुम देखो ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर करो तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि उसका उसके आसपास जो ये इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स हैं वो सिर्फ टू है तो उसके न्यूक्लियस का बाहर तक इम्पैक्ट रहेगा सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर तीन परतें हैं थ्री लेयर्स हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि सल्फर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री पी फोर तो बेसिकली क्या हो जाता है तीन लेयर चढ़ जाती हैं ठीक है तो तीन लेयर के कारण न्यूक्लियस उतना इंपैक्टफुल नहीं बचता कि वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके आई होप फंडा बहुत सिंपल है है आपको समझ में आ रहा है कि बॉन्डेड स्टेट में शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा ताकत कौन लगा सकता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कौन कौन से मेन फैक्टर्स है जिनपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यार न्यूक्लियस ही तो वो मैग्नेट है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके और उसके अलावा रेडियस छोटा होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और रेडियस कैसा होना चाहिए छोटा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा और रेडियस कैसा होना चाहिए छोटा। अब आगे देखो पीरियड वाइज सोचो क्या वेरिएशन आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की साइज छोटा होता जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी पीरियड वाइज बढ़ेगी इसलिए पीरियड वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या ये बात सबको समझ में आ रही है और इनफैक्ट हेलोजन की हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे पीरियड में क्योंकि सबसे छोटे होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है और एक इलेक्ट्रॉन को के लिए तड़प भी रहे होते हैं फ्लोरिन देखो ना टू कॉमा सेवन एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही नोबल गैस बन जाएगा क्लोरीन uh, देखो टू फॉर्मा एट कॉमा सेवन एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या बन जाएगा नोबल गैस बन जाएगा तो तड़पे हुए एलिमेंट्स हैं साइज भी इनका छोटा है न्यूक्लियस भी इनका दमदार है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प भी बहुत है तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी हाइएस्ट किसकी हो जाती है हेलोजस की यू कैन गिव मी थम्स अप यू कैन गिव मी थम्स अप इन द कॉमेंट बॉक्स यू कैन गिव मी थम्स अप इन द कॉमेंट बॉक्स कि हाँ मैम क्लिक हो रहा है मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा अब तक मैं ये समझती हूँ मेरे बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा यार बॉन्डेड स्टेट में जिसकी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जरा ताकत ज्यादा है जैसे टग ऑफ वॉर में जो टीम ज्यादा जीत रही होती है डोमिनेटिंग टीम जो होती है उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ खींचने की ताकत होती है और कुछ नहीं मतलब तू भी जैसे अपन अपने छोटे भाई बहन के साथ मैगी शेयर करते हैं ना भा� तो जब मम्मी कहती है बेटा एक पैकेट बना लो दोनों खा लेना ऐसा हो तो सिबलिंग से दोनों खा लेना और हमारा जो छोटा भाई है वो चार साल का है से हो सकता है ना आप में से कहीं होगा अब यार चार साल के भाई को बराबर कौन देगा नहीं देंगे ना तुम डोमिनेट करोगे तुम खुद का तो बोल भर लोगे उसको ऐसी चिरान सी दे दे दोगे जरा सी तो तुम डोमिनेटिंग रहे तुम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो शेयरिंग के अंदर अपना शान पट्टी दिखाना शेयर्ड है पर मेरा ज्यादा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की करतूतें होती हैं शेयरिंग कर रहे हैं हम दोनों तुम भी यही बोलोगे अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर कर रहा हो लेकिन अपनी करतूत कहां दिखाई मेरी ज्यादा है

एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक पड़ा तो न्यूक्लियस बेचारा ऐसा दब जाएगा कि भाई कि मैं कहाँ गया भाई मेरे आसपास तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आगे भीड़ में दब गया तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाने की क्षमता खोने लगेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन तो द ग्रुप डिक्रीज होती है अर्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है तो हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई पीऑरिक टेबल देखिए बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए जल्दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप हो रही है डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड हो रही है इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है तो किसकी होनी चाहिए श्रद्धा सिंह वेरी गुड स्वादा भास्कर समृद्धि अग्रवाल सिमरन माधव राजकमल शाबाश बेटा फ्लोरीन की होनी चाहिए क्योंकि यूं बढ़ रही है बड़ी 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 घटी 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 तो फ्लोरीन इज द एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और देखना इसका कितना इंपैक्ट आएगा ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक पे ठीक है चलो प्रोसीड करते हैं ग्रुप वाइज हमने पढ़ ली हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पढ़ ली अब बेटा यहाँ देखो जरा तुम्हें वेरियस एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये मेरा एक तरीका है जिससे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करा देती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे स्केल्स होते हैं जैसे ऑलरेडी रॉशो स्केल होता है पॉलिंग स्केल होता है तो मैं एक बात ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है इट इज अ नियत कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को भी मैं अपने पास खींच के ज्यादा रखूंगा शेयरिंग करूंगा बट मैं अपना ज्यादा अधिकार जमा के रखूंगा ये नियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ठीक है पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा दिया है यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा लिथियम बेरिलियम मेरे अब मैं मेरा वाला स्टाइल जहाँ आएगा मैं कोई ना कोई ट्रिक मार के तुमको लर्न भी करवा दूंगी तो मेरी ट्रिक ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है और इसको आप लर्न कर लो 4.0 मैं बार बार आज की क्लास में पूछती रहूँगी हाँ, पॉलिंग स्केल है मैं बार बार आज की क्लास में पूछती रहूंगी कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइएस्ट किसकी होती है फ्लोरिन की कितनी होती है आप बोलना फोर क्योंकि पॉलिंग सबसे ज्यादा फेमस हुआ है उसने परचम गाड़े हैं फेम में बहुत फेमस हुआ है पॉलिंग अब जैसे जैसे तुम पीरियड वाइज पीछे आ रहे हो जैसे फ्लोरीन से पीछे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से पीछे नाइट्रोजन नाइट्रोजन से पीछे कार्बन कार्बन से पीछे बोरॉन बोरन बेरियम नीटियम जैसे जैसे तुम क्या आ रहे हो पीछे आ रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से घटाना है तो तुम्हें किसी की भी लर्न करने की जरूरत नहीं कोई तुमसे पूछे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है तो देखो कितने स्टेप पीछे चले फ्लोरिन से चले तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन से चले नाइट्रोजन नाइट्रोजन से चले क्लोरीन तीन स्टेप चले पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव यानी वन पॉइंट फाइव घटा दो चार में से आंसर आ जाएगा टू पॉइंट फाइव तो लर्न करने की जरूरत नहीं है फिर क्लोरीन में थोड़ा सा रैपिडली घटती है थ्री पॉइंट जीरो हो जाती है ठीक है अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन ही फर्स्ट आ जाता है क्लास में सेकंड रैंकर है हमारा ऑक्सीजन सेकंड रैंकर थर्ड रैंकर होता है हमारा क्लोरीन ठीक है थर्ड रैंकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मामला है पीरियड वाइज मैंने आपको अच्छा अब ना व्हाट इज देन हैजिटिविटी एक टेंडेंसी तो, होती है मेरा है और दूसरी टेंडेंसी होती है ले जा ऐश कर नहीं चाहिए तेरे को तेरा लग रहा है लेके जा ठीक है ऐसे भी टेंडेंसी वाले लोग देखे होंगे जो छीना छुप्टी करने वाले अगर लोग देखे होंगे तो ऐसे भी लोग तुमने देखे होंगे कि अच्छा तेरे को ची जा तुम किस कैटेगरी में आते हो बताना ठीक है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या चीज होती है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता कि दूसरा मांग रहे तू रख ले यार तेरा ज्यादा तू आश्का. कोई बात कोई बात नहीं तू आश्का. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू तो लूज इलेक्ट्रॉन टू तो फॉर्म पॉजिटिव आयंस इट इज नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ती है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घटती है और ग्रुप वाइज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी घटती है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है ग्रुप वाइज ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम ये जरा करके दिखाओ फिर थोड़ा इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को नहीं 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 नहीं, नहीं। अंश आज की ऑर्गेनिक की क्लास में वन शॉट रिवीजन है जितना हम कर चुके हैं थर्टी मिनट्स में तो मैं तुमको क्विक क्विक रिवीजन कराऊंगी पौने छह से लेकर सवा छः तक सवा छह से क्विज स्टार्ट होगी ठीक है वन शॉट रिवीजन है बेटा ऐसे तो मैं कभी क्विज शायद ही लेती हूँगी पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी जब जितनी हो चुकी है अभी रिडॉक्स पोटेंशियल क्यों पढ़ना है बेटू अरे इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीज मैंने पीरियोडिक टेबल आपके रेफरेंस के लिए लगा दी है ताकि आप इसमें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए हालांकि पीरियोडिक टेबल लर्न कैसे करनी है वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब पर हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल मोनिका मैम लिख देना बड़े अच्छे से लर्न करवाई हुई है और यहाँ पे ये बोरॉन आ गया ठीक है हाईलाइट कर रही हूँ मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पोटाशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पोटेशियम ठीक है ये आपका हो जाएगा पोटाशियम और यहाँ पे एलुमिनियम होता है ठीक है बोरन एल्युमिनियम पोटेशियम मैग्नीशियम इनमें इन आपको करना है मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो सबसे ज्यादा मेटालिक है वो सबसे आखिर में आ जाएगा जो सबसे ज्यादा मेटालिक है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर है डिक्रीजिंग नहीं है जो सबसे ज्यादा मेटालिक है वो सबसे एक्सट्रीम राइट पे आएगा जो सबसे ज्यादा मेटालिक है वो एक्सट्रीम राइट पे आएगा बेटा हम्म अच्छा माधव ने पूरा सीक्वेंस लाके के दिया है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है पोटाशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम बोरॉन पोटाशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम बोरॉन चेक कर लेते हैं मेटालिक फोर्थ क्वांटम लेवल के जो होते हैं फोर्थ पीरियड वाले ऑफकोर्स ज़्यादा मेटालिक होंगे ठीक है तो सबसे ज्यादा मेटालिक तो पोटाशियम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इसका इफेक्टिव चार्ज कम है इसका साइज बड़ा है नेक्स्ट क्वांटम लेवल आ गया ना ये ये तीनों तो ऊपर वाले हैं और ये सबसे ज्यादा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की परतें हैं लेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन की तो पोटेशियम तो सबसे ज्यादा मेटालिक हो जाएगा फिर पोटेशियम से कम इधर मेटल्स होते हैं उधर नॉन मेटल्स होते हैं इधर मेटल्स उधर नॉन मेटल्स तो पोटेशियम से कम कौन हो जाएगा मैग्नीशियम ठीक है अब उधर थोड़ा सा हम उस तरफ चलते हैं बोरॉन और एल्युमिनियम तो बोरोन एल्युमिनियम में से किसका ज्यादा हो जाएगा बोरोन एलुमिनियम एल्यूमिनियम ज्यादा मेटालिक होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है तो फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा इधर और एल्यूमिनियम से पहले कौन आ जाएगा बोरोन तो किन बच्चों का ये सही था देखें जरा बोरोन एल्युमिनियम मैग्नीशियम और बोरोन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम पोटेशियम श्रद्धा का सही है सब सही बता रहे अभी नव कह रहा सब सही बता रहे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो फिर अगला करो इसको भी सब सही बताओ अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है बोरॉन कार्बन सिलिकन नाइट्रोजन फ्लोरिन नाइट्रोजन ये रहा फ्लोरिन ये रहा बोरॉन ये रहा कार्बन ये रहा सिलिकन ये रहा बताओ जरा इनमें तुमको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है नॉन मेटैलिक कैरेक्टर किसका बैकलॉग हो गया लग की बैकलॉग तो भारत सरकार का भी है यार बैकलॉग तो पापा से पूछना है कि उनका है क्या वो भी कहेंगे मेरे से पूछो कि मेरा है के? मेरे को भी बहुत सारी चीजें बच्चों को पढ़ानी है बैकलॉग है मेरा ठीक है मम्मी से पूछना बैक के? कि बैकलॉग है मम्मी कहेंगी हाँ है मेरे को कल अलमारी समेटनी थी समेटी नहीं भाई टाइम नहीं मिला मेरा बैकलॉग चल रहा है तो किसका बैकलॉग नहीं जिंदगी में सबका बैकलॉग होता है लाइफ इज अ बैकलॉग हम्म आंसर आ गया सिलिकॉन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अरे अरयंत का बिल्कुल सही है सिलिकॉन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन माधव का बिल्कुल सही है वेरी नाइस वेरी नाइस आई एम गुड आई एम गुड वरुण सिलिकॉन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरिन सही है यार सिलिकॉन का सबसे कम होगा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर मेटैलिक पूछता तो सिलिकन का सबसे ज्यादा हो सकता था और नॉन मेटेलिक पूछा तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि क्वांटम लेवल बढ़ रहा है ठीक है सिलिकन के बाद इन चारों में मेटालिक नॉन कैरेक्टर वहां जाने पर इंक्रीज हो रहा है तो तुम सबने ऐसे ही लगाया ठीक है यू जाने पर इंक्रीज हो रहा है सबसे पहले सिलिकन आ जाएगा देखो राजकमल बेटा आपने गलत लगा दिया बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरिन तो लाइन से चलेंगे सबसे सबसे कम नॉन मेटालिक कैरेक्टर का इसलिए है है क्योंकि सिलिकन हायर क्वांटम लेवल में है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर वालों का ज्यादा होता है नीचे वालों का कम होता है तो सबसे कम सिलिकन का फिर राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो सिलिकन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरिन इज द करेक्ट आंसर सिलिकन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन एंड चलो अब जरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहां टेबल क्यों आ गई है कुछ मिसमैनेज हो गया ये करो द एलिमेंट विद हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंग्स टू वो एलिमेंट जो हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है यस लाइक द सेशन लाइक यार देखो लाइक नहीं करते हो देखो जरा कितनी कम लाइक्स करी हुई है लाइक like ही नहीं करते हो सेशन को द एलिमेंट विद हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंग्स टू द ग्रुप दिस एंड दिस पीरियड बताओ ग्रुप बताओ और एलिमेंट भी बताओ फ्लोरीन है सही है ग्रुप एंड सेकंड पीरियड परफेक्ट क्रिएशन विद वीक वेरी 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 गुड 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 और अभी भी नहीं सुन रहे लाइक like नहीं बढ़ रही है मैंने तो खुद ना लाइक like कर रखा मेरी तरफ से भी लाइक like नहीं है पहले मैं लाइक like कर लेती हूँ अब मैंने लाइक like कर दिया मैंने लाइक like कर दिया आई टू लाइक सेशन तो देखो द एलिमेंट विद हाईस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिलोंग्स टू द ग्रुप कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है सेवनटीन और पीरियड कौन सा होता है second. सेवनटींथ ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड चलो एमंग एल्कली मेटल्स विच डू यू एक्सपेक्ट टू बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई एल्कली मेटल्स में आप किस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई एल्कली मेटल्स में फर्स्ट ग्रुप हर्लीना की रब से फरियाद हाइड्रोजन लीडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम स्वादा भास्कर वेरी गुड ठीक है फ्रांचियम तो रेडियो एक्टिव है सीजियम पर फ्रांचियम में स्टडी नहीं हो रखी तो करेक्ट आंसर है सीजियम ठीक है अब ये बताएं थोड़े से मतलब एम सी क्यूज कर लेते हैं पोलिंग स्केल पे फ्लोरिन के नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है कौन सबसे जल्दी आंसर करेगा पॉलिंग स्केल पे फ्लोरिन से नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखने की ताकत होती है ऑक्सीजन सिमरन अस्मी रानी वेरी गुड सही माधव शाबाश ऑक्सीजन नेक्स्ट करें करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फोल्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट इज इनमें से फोल्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई चलो छोड़ो क्वेश्चन ये है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है टू का जेई का क्वेश्चन है इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है

तो ये चारों के चारों वहां नॉन मेटल साइड पे लोकेटेड है इनमें से सही कौन सा लग रहा है फर्स्ट वाला अस्मी क्रिएशन देखिए सही साक्षी रचना फर्स्ट वाला फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट और ये आया हुआ है 2019 के जेई मींस -E में ठीक है तो ये हमारा हो गया आपको पता ही है कि भाई राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ग, इसकी जर्मेनियम की ज्यादा होगी गेलियम से ठीक है इधर आपसे एल्यूमिनियम और सिलिकन में कंपेयर करवाए तो एल्युमिनियम की ज्यादा बता रहा है राइट साइड पे बढ़ने के हिसाब से तो सिलिकन की ज्यादा होनी चाहिए फॉस्फोरस और सल्फर में अगर आपसे पूछ जाए तो फॉस्फोरस की ज्यादा बता रहा है भाई सब उल्टा पुलटा कर रहा है सब राइट साइड पर जाएंगे तो सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए और सिलीनियम और टेल्यूरियम में हम बात करें तो टेल्यूरियम की ज्यादा बता रहा है जबकि एक्चुअली ऊपर वालों की ज्यादा होती है और राइट वालों की ज्यादा होती है मतलब आजू बाजू वालों में कंपैरिजन हो तो राइट वालों की ज्यादा होती है ऊपर नीचे वालों में कंपैरिजन हो तो ऊपर वालों की ज्यादा होती है तभी तो फ्लोरीन बाजी मार लेता है टेबल का बाप बना बैठे इसलिए क्योंकि ऊपर भी है और राइट में भी है तो जो राइट में उसकी ज्यादा और जो ऊपर है उसकी ज्यादा दिस इज द थिंग चलो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ बारीकी से पढ़ लेते हैं इसी टॉपिक को ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फर्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी और खींच के रखने की ताकत को बोल रहे हैं टेंडेंसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी मैं फिर मोनिका मैम अभी एग्जाम्पलो पीडिया को लेखी तो फिर थोड़ा डिफरेंट का एग्जाम्पल निकल के आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है रख ले ऐश कर मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करना और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में फर्क होता है ये वही फर्क है जो एक रिलेशनशिप और मैरिज में होता है एक रिलेशनशिप मैरिज रिलेशनशिप इज अट्रैक्ट करके रखना मेरी है या मेरा है ठीक है गेन इज गेन हो गया परमानेंट अब देखी जाएगी जो होगा ठीक है तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन समवन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शादी कर ली भाई गेन ही कर लिया अब तो ठीक है तो एफिनिटी गेन इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में भर लेने पे आती है नेगेटिविटी तो कोई शेल में नहीं भरता कोई अपने घर में किसी को नहीं ला रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट दैट कि थोड़ा अट्रैक्ट करके रख रहे हैं बस ठीक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोन एफिनिटी बोथ हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बट एफिनिटी आइसोलेटेड आइटम्स की होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड आइटम्स की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रिलेटिव होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोनिका मैम एक्साम्पल ऑफ वीडियो खुल चुका है ठीक है

अब इसको किस किस स्केल पे नापते हैं सबसे पहला स्केल आपका पॉलिंग स्केल सबसे पहला स्केल है पॉलिंग स्केल मीनवाइल पूरे पीरियड पीरियोडिक टेबल में हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फटाफट से जल्दी से हाँ यार वरुण अब क्या करूं बताओ यही मामला है फ्लोरिन क्रिएशन विद डीके माधव अभिनव आर्य रानी श्रद्धा वेरी गुड फ्लोरिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मीनवेल मुझे बताना कि नीचे ऊपर वाले में से कंपेरिजन करेंगे तो किसकी वाली इलेक्ट्रोने किसकी इलेक्ट्रोनेगिविटी ज्यादा होगी नीचे वाले की ऊपर वाली? अगर किसी पीरियड में पीरियोडिक टेबल नीचे ऊपर वाले को सपाट कंपेयर करेंगे ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कि नीचे वाले की ऊपर वाले की जल वेरी गुड ऊपर वाले की अगर किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट वाले का कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट वाले की ज्यादा होगी कि राइट वाले की लेफ्ट वाले की ज्यादा होगी कि राइट वाले की राइट वाले की वेरी गुड वेरी गुड लेफ्ट वाले की क्यों होगी राइट वाले की

बेटा बेसिकली पॉलिंग ने ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, है इसको किससे रिलेट किया था रिलेटेड द रेजोनेस एनर्जी ऑफ अ मोलिक्यूल एबी विद द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी रेजोनेंस के बारे में अभी आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है क्योंकि या तो आप इसको बॉन्डिंग में थोड़ा सा सीखोगे नहीं फिर इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे तो अभी इसको सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो डेल्टा एबी है इट इज जस्ट रेजोनेंस एनर्जी तो रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो आप एक फॉर्मूला डिजाइन किए हो कि इन दोनों में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पॉइंट टू जीरो एट डेल एबी या फिर पॉइंट वन जीरो टू तो इसको अभी सिर्फ फॉर्मुलज नोट करके रख लो ये इन फ्यूचर समझ में आएंगे अभी आपको इनका कुछ भी नहीं करना नहीं तो मैं रेजोनेंस में निकल गई पता नहीं मेरे को क्या निकल लूंगी मैं तो जस्ट इन फॉर्मूलाज को आप नोट करके रख लो ठीक है बढ़ती हूँ आगे मुलिकन स्केल होता है मुलिकन ने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब किसी एटम में से कितनी एनर्जी डालें कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उखड़ के बाहर आ जाए या अगर इलेक्ट्रॉन दे तो वो कितनी एनर्जी हमें ऑफर करे इन दोनों के एवरेज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस एनर्जी पॉइंट टू से हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाती है अगेन ये सिर्फ फॉर्मूला नोट करके रख ले ठीक है और एक चीज़ नोट करके रख ले कि मूलिकन वैल्यूज़ जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो पॉलिंग से टू पॉइंट एट टाइम्स होती हैं ये देखो ये पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो मुलिकन वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मुलिकन स्केल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल इनटू टू पॉइंट एट ठीक है जहां एक्स जो है एक्स एन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ऑल देन एल्फ्रेड रॉजो स्केल ये वाला भी स्केल है पॉलिंग सबसे ज्यादा फेमस होता है ये स्केल ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिस इज द फॉर्मूला दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्मूला नोट करके रखना जीरो पॉइंट थ्री फाइव नाइन जेड इफेक्टिव आप पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुई थी तो आपने जेड इफेक्टिव पढ़ा था जेड माइनस सिग्मा याद है जेड एटॉमिक नंबर होता है सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट होता है शील्डिंग कॉन्स्टेंट ठीक है और आर क्या चीज है आर क्या चीज है कोवलेंट रेडियो ऑफ एटम की मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है जो हम को बॉन्डेड स्टेट में निकाल सकते हैं आइसोलेटेड स्टेट में तो निकाल ही नहीं सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही बॉन्डेड स्टेट की ही टेंडेंसी होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सर्कल ये तुम्हारे नोट्स के लिए है न्यूक्लियस से लेकर के इलेक्ट्रॉन तक के डिस्टेंस को आर कहा

जहां जहां मैंने लिए हैं वो आ जाएंगे बेटा जी तो बेसिक डिफरेंस कर लेते हैं जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस फाइल पे ना बैठना पड़ता है और क्या चक्कर हो रहा है अभी अभी पेपर डिस्कशंस चल रहे हैं तो टोटली हम उसी पे फोकस करके बैठे हैं ऑन एंड ऑफ हम जेई के पेपर डिस्कस करने में तो ये थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स है मैं यहीं पे करेक्ट कर देती हूँ आप नोट्स में ठीक से देख लेना तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल तो टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं लेकिन जो एनर्जी रिलीज या एबजॉर्ब होती है अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेज इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले भाई शादी कर ली अब जो एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब हुई वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अट्रैक्ट किया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रिलेटिव वैल्यू होती है सामने वाला अगर ज्यादा ताकतवर होगा तो आप कमजोर भी पड़ सकते हो सामने वाला बहुत कमजोर है आप ताकतवर भी पड़ सकते हो जैसे रिलेशन रिलेशन में नापी जाती है तुलनात्मक ठीक है एंड दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन आटम ये हर आटम की एब्सोल्यूट होती है इट रेगुलरली चेंजेस इन अ पीरियड और ग्रुप ये पीरियड और ग्रुप में बदलती रहती है इट ड नॉट चेंजेस रेगुलरली इतना रेगुलर इसका चेंज नहीं होता जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती और इसको किलो कैलरी परमोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ड परमोल या एनर्जी की जो भी यूनिट है किलोजूल परमोल में नापा जाता है अब कौन कौन से फैक्टर्स है मेनली तो तुम मैंने तुम्हें बताया था कि साइज होना चाहिए आइटम का कैसा छोटा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए ज्यादा साइज छोटा होगा तो न्यू ये न्यूक्लियस ऑपरेटेड फिनोमिना है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज न्यूक्लियस ऑपरेटेड फिनोमिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज न्यूक्लियस ऑपरेटेड फिनोमिना तो जितना छोटा साइज होगा ना उतना ही न्यूक्लियस तो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए तो न्यूक्लियस तगड़े मैग्नेट की तरह करे पर उस मैग्नेट के इम्पैक्ट को खत्म कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स तो ले जितनी कम होंगी उतना बढ़िया इंपैक्ट आएगा इसीलिए तो राइट जाने पे क्या है कि साइज छोटा होता जाता है ना तो इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ती जाती है और नीचे आने पे घटती क्यों है क्योंकि साइज बड़ा होता चले जाता है ठीक है ठीक तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं पहला है बेटा चार्ज ऑन एटम एटम पे कौन सा चार्ज है जो इफेक्ट करेगा तो एक बात बताओ अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी और अट्रैक्ट करने की क्षमता का कंपेरिजन हो रहा हो तो एफ और एफ में से कौन ज्यादा इंटेंस वे में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन ज्यादा इंटेंस वे में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हाँ मैं समझाती हूँ बेटा हाँ श्रद्धा बेटा वो फाइल पे ना अपन ये सब चीजों में टाइम स्पेंड करना होता है और अभी पूरा टाइम जा रहा है अन जेई पे जो पेपर डिस्कशन हो रहा है ना उसमें थ्री प्लस ज्यादा खींचेगा ना जाहिर सी बात है थ्री प्लस ज्यादा खींचेगा तो अगर थ्री प्लस ज्यादा खींचेगा तो थ्री प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई इसका मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी uh, का पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द केटाइन इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है प्लस थ्री की प्लस टू से ज्यादा है ठीक है आगे देखिए इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यून अच्छा एनाइन में भी कंपेयर कर लो यार एक बात बताओ जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को क्या खाक खींचेगा तो रिपेल करेगा तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यून कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर रही हूँ कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स लगे में मैं, मैं एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ तुमको जैसे एक है आपका सी एच थ्री आए सी एच थ्रीट्रावेलेंट होता है कार्बन सी एच थ्री आए और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है सी एफ थ्री आए सी एफ थ्री आए एफ एफ F and I. अब मुझे ये बताओ कि किसका कार्बन इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा लालची होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग किसका कार्बन इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा लालची होगा ये बताओ तुम A या B? A या B? किसका कार्बन इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा लालची होगा बताओ फटाफट साक्षी कह रही है ए अस्मी कह रही है बी ए का ज्यादा लालची होगा एक बात बताओ कार्बन की मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करा रही हूं फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डू यू नो दैट फ्लोरीन जैसा एलिमेंट अगर माथे पड़ जाए और वो इलेक्ट्रॉन आपसे छीनने लगे एक फ्लोरीन जो पूरे पीरियोडिक टाइम में बाप है सबका इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में वो खींच के रख के बैठा है कार्बन बेचारा सोच रहा कार्बन ऐसी स्थिति में ऐसी ये कार्बन है। और ऐसा, ऐसा। ठीक है तो जिस फ्लोरीन ने कार्बन को इस तरीके से बर्बाद किया हुआ है ये 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 खींच खींच रहा रहा है है तीन तीन फ्लोरीन के द्वारा बर्बाद कार्बन क्या? के इलेक्ट्रॉन के प्रति ग्रेडी नहीं होगा ये सोच के बताओ मेरे को उस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा नहीं होगा पार्शियल पॉजिटिव समझे कुछ क्यों सॉरी लिख रहे हो बॉम्बे लवर बेटा? है ना? होगा तो यार ये कार्बन तो ज्यादा बुकमरा टाइप होगा ना क्योंकि फ्लोरिन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को छिना रखा है ठीक है तो ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन अटैच टू तो थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरिन बी मोर हाइड्रोजन क्या बिगाड़ लेंगे कार्बन का ये अपने चिल है लाइफ में ये चिल नहीं है ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो सब्सटीट्यूशन का भी इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पड़ता है बढ़ते हैं आगे देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब छूट मुश्किल है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन करना भी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना मुश्किल है तो हायर देशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब वो एटम छोटा अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ना तो मतलब वो एटम छोटा है और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन दो और वो तुम्हें ज्यादा एनर्जी ऑफर करे उसके बदले में तो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है एम बी मैम के स्टाइल में जिन एटम्स में से जिन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन उखाड़ना मुश्किल होता है और जिनको इलेक्ट्रॉन देने पर वो बहुत खुश होते हैं उसके बदले में बहुत पैसा देते हैं बहुत एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन थाल उनको वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एग्जाम्पल ले लो क्लोरन फ्लोरिन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज दिन में से इलेक्ट्रॉन इनकी एनाइजेशन चीज बहुत है होती है आप इनका इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स ये इनकी टेंडेंसी होती है खुद छिनाव होते हैं ये दूसरे को कुछ नहीं देते अपना ठीक है दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनको इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उसके बहुत महंगे में इलेक्ट्रॉन खरीद सकते हैं पर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते तो जो खरीद बहुत महंगे में रहा है ये लिखा है ना हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है और जरूरत है तो वो खींचेगा भी सही तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है नेक्स्ट आ रहा है हाइब्रिडाइज स्टेट अब ये ये पॉइंट जो है ये तुमको मैं लेटर ऑन समझाऊंगी क्योंकि तुमको अभी हाइब्रिडाइजेशन आती नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी तुमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ठीक है एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी तब ये पॉइंट समझ में आएगा और अगर तुमने पढ़ी हुई है तो बोलो मैं समझा देती हूँ कि हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या तुमने ये तो पढ़ा हुआ है एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू पी फेवरेटिज्म की बात देखी थी तुमने मैंने तुम्हें पहले कभी किसी में बताया होगा जो बेरिलियम यार एस न्यूक्लियस से थोड़ा चिपक के रहता है पढ़ा हुआ है कि एस न्यूक्लियस से चिपक के रहता है ठीक है चलो इस नाते ही समझ लो ये स्टेट ऑफ हाइब्रेडाइजेशन है तुमको कितना है फिफ्टी परसेंट है और फिफ्टी परसेंट पी है, ठीक है एसपी टू में कितना है एस पी टू में थर्टी थ्री परसेंट ऐसे और सिक्सटी सिक्स परसेंट पी है ठीक है और एसपी थ्री में कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे और सेवेंटी फाइव परसेंट पी है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है ये बताओ सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें एसपी में तो जिसमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है वो न्यूक्लियस का बहुत चेपक है पर न्यूक्लियस की जिसके पास न्यूक्लियस की यार मोनिका मैम एग्जाम्पल ऑफ मीडिया टीचर से डर लगता है ऑफलाइन या फिर स्कूल टीचर से प्रिंसिपल मैम से थोड़ा थोड़ा डर तो उससे भी लगता है जो टीचर का बहुत फेवरेट है तो उसने कोई भी चुगली मार दी ना तो लफड़ा हो जाएगा फंडे हो जाएंगे ये बात प्रैक्टिकली सही लगती है कि यार जैसे प्रिंसिपल मैम है प्रिंसिपल मैम से बड़ा डर लगता है लेकिन प्रिंसिपल मैम से डरने के साथ साथ कोई स्टूडेंट है क्लास में जो तो प्रिंसिपल मैम के बड़े क्लोज है लाइक ही और शी इज वेरी फेवरेट टू योर प्रिंसिपल मैम तो उसके सामने भी कोई बात बोलने से पहले थोड़ा सा तो डरोगे यार हो ना तो न्यूक्लियस की क्षमता होती है चलो आगे बढ़ते हैं बेटा मतलब थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन का इलेक्शन तो हो गया वो सब चीज हमें बैठ के करनी पड़ती है टाइम हमें मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे पेपर डिस्कशन देन क्लास देन कोई लाइव सेशन देन हालत यह है कि जो हमारा लंच है वो भी ऐसा पड़ा का पड़ा रह जाता है लंच भी करने का टाइम नहीं हो रहा अभी ठीक है तो इसलिए वो जो मिस्टेक्स है उनको करेक्ट कर लेना मतलब स्टडी टेबल पे या जो हमारी टेबल है स्टूडियो की उसी पे पढ़ा रह जाता है लंच भी लंच भी करने का टाइम मिलेगा तब खाएंगे तो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस पर कैसे डिपेंड करता है एज द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस वैल्यू क्या होती है इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है विजुलाइज़ कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में भर लेने की क्षमता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये दोनों बातें अच्छे से विजुलाइज हो रही हैं आई एम अ डॉटर ऑफ माई प्रिंसिपल मैम अरे स्वाधा स्वाधा तेरे में तो बहुत ऐसा कैरेक्टर होगा फिर तो बच्चे मैम के साथ साथ तुझसे भी डरते होंगे पक्की बात है है ना पक्का पता <laughs> सुनो यार मैम की बेटी से कौन नहीं डरेगा काश मैं मैम की बेटी होती मतलब मुझे मैम की बेटी अलग टेंशन रहता है हाँ बेटा बस असमी जरूर अभी ये सेशन निपटा के मेरे पास में थोड़ा सा ब्रेक रहेगा पाँच दस मिनट का तो उसमें मैं खाना खा लूंगी हाँ हाँ यूट्यूब पे सारे टॉपिक पढ़ाते हैं कंचन ठीक है ओके तो देखो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मैं महान हुआ थैंक यू थैंक यू <laughs> नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अब मैं मस्करी के मूड में आ गई

इफेक्टिव न्यूक्लियर जहाँ ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी हाइब्रिडाइज में अगर मैम की बेटी होगी तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और चार्ज ऑफ एटम ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सब्सिट्यूंट अगर फ्लोरिन uh, टाइप के लगे हुए हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बढ़ा देते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोन इफिनिटी जिसकी ज्यादा उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एक्सेप्शन लिस्टिंग कर लें इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ ठीक है कोई लोचा ही नहीं है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन मांगता ही नहीं है ना उसको देना न उसको लेना वो इनर्ट है यार वो नॉबल है लाइफ में चिल्ल है वो बाकी बोल रही है तुम जो बनना चाहते हो वो मैं हूं यार वो सोडियम को चीख करिए कि तू एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा है ना क्यों क्या बनना चाहता है तू सोडियम वो कह नियोन मैं हूँ आर्गन जो है वो क्लोरीन पे झिकरा कि तू क्या करना चाहता है लाइफ में क्या है मैं तेरा बोले मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए बहुत सुखी हो जाऊंगा तो बोले एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएगा तेरा क्लोरीन बोले मैं आठ इलेक्ट्रॉन ले लूंगा अपने ऑक्टेट में वो कहेगा मेरे पास तो है आर्गन कहेगा मैं हूं चिल तो मैं जो जो लोग बनना चाहते हैं अगर आप वो हो तो फिर चिल फिर तो ना इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्ट ना लेने में इंटरेस्ट तो जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो मानी जाती है ठीक है फिर सीजियम और फ्रेंचियम का याद रखना वैसे मैं ब्लॉक केमिस्ट्री तुमको अलग से करवाऊंगी ब्लॉक केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जिसमें से चार नंबर का क्वेश्चन कवर होता है लेकिन उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा ही होता है मतलब वो वैसा वाला स्टेप नहीं होता जिसमें हम कहते हैं ना कि इजी स्टेप एंड गुड रिवॉर्ड्स वो अला नहीं है इसमें क्या मेहनत बहुत है रिवार्ड्स है फिर भी ये इंपॉर्टेंट कर... जरूर है क्योंकि चार नंबर का आता है तो इसमें ये चीज़, ये चीज ध्यान रखना सीजियम की बराबर होती है ठीक है अच्छा कारण क्या है पीरियॉडिक टेबल में देख के बताते हैं ये देखो पीरियडिक टेबल से ही मैं तुम्हें सीजियम फ्रेंचियम का कंपेरिजन बताऊंगी ये रही पीरियडिक टेबल देखो जरा सीजियम फ्रांचियम सॉरी सीजियम फ्रांचियम की तरफ देखो यहाँ पे ठीक है ये देखो, ज़्योड़ा देखो, ज़्योड़ा देखो ज़्योड़ा इसमें क्या बता रहे हैं इसमें जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन है वो ये है कि सिर्फ एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है नीचे आने पे लेकिन अगर तुम चार्ज न्यूक्लियस का देखो तो वो 32 यूनिट्स इंक्रीज हो चुका है तो चार्ज बाय 32 प्रोटॉन इंक्रीज हुआ इन दोनों के एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस है तो न्यूक्लियस सडनली पावरफुल होता है एंड एट द सेम टाइम एनर्जी लेवल भी मतलब आई मीन शेल शेल भी ऐड ऐड हो जाता है तो शेल जो हुआ उसने न्यूक्लियस को छुपाया पर न्यूक्लियस भी तो दमदार हो गया यार

तो ये इसको एक डिफरेंट एग्जाम्पल से तुमको बताऊंगी मैं फ्लोरीन क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रोन क्लोरीन के सलमान खान को जानते हो बहुत लड़कियां फैन रही हैं इनकी ठीक है बहुत लोग फैन फॉलोइंग गजब की मतलब एक जमाना था जब कौन ऐसी लड़की होगी जो सलमान खान की जिंदगी में नहीं आना चाहे ऑटोग्राफ लेने के लिए तड़प जाए ठीक है शादी नहीं हो पाई इनसे शादी नहीं करी मैं ठीक है तो बेसिकली पूरी पीरियोडिक टेबल में अट्रैक्शन कौन सबसे ज्यादा करता है वो फ्लोरिन है लेकिन अट्रैक्ट करके अपने घर में ले आए ये कौन सबसे ज्यादा करता है क्लोरीन है ठीक है तो फ्लोरीन इज द सलमान खान ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है। है? कम होती है वो मेटल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं बॉन्ड करते हैं छोटी छोटी चीजें आपको नोट्स में इंक्लूड करनी है कि बॉन्ड लेंथ जितनी लंबी होगी देखो बॉन्ड लेंथ का इंपैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या पड़ेगा बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होता है ना डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड इज डेल्टा एन तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है यानी कि बॉन्ड हो जाता है मैं लिख इधर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है दो बॉन्डेड आइटम्स में तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड छोटा हो जाता है बॉन्ड बिकम्स स्मॉलर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट एंड स्ट्रॉन्गर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड आइटम इनक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस ठीक है बॉन्डेड okay. आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है तो यजदीक आ जाता है तो क्यों डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि एक इले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एक की कम है लेटेस्ट एक्साम्पल ऑफ एन एल एन एस सी एल का एक्साम्पल ले लो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम होती है क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है तो इत, इतनी ज्यादा डिफरेंस है कि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने पे आया ना इसने ऐसा खींचा ऐसा खींचा कि क्लोरीन ने अपने शेल में भर दिया तो कौन सा बॉन्ड बन गया आयनिक बॉन्ड बन गया तुम्हें तो पता आयनिक बॉन्ड में एटम्स जो थे पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियर है मच क्लोज है बिकॉज द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं आठ सौ डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड्स की वजह से ठीक है आयनिक बॉन्ड्स तो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और छोटा होगा जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ठीक है और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैंनी स्मिथ फॉर्मुला इसको आप अपने कॉपीज में नोट करके रखना एक्स और एक्स भी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है आप ये वैल्यू पुट करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और बी पुट करोगे तो अगर इनका जो आयोनिक परसेंटेज है ठीक है वो पचास परसेंट से अगर ज्यादा आता है तो फिर आयोनिक बॉन्ड है और फिर अदरवाइज ये कोविलेंट बॉन्ड है ठीक है कोविलेंट बॉन्ड है इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये वाली चीज अभी आपको उतनी अच्छी मजे नहीं आएंगे ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद में इस पर ज्यादा इंपैक्ट आएगा अभी तो ये फॉर्मुला नोट करके रख लेना दो तीन ऐसी चीजें जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है तो मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगी ठीक है एंड दैट सेट फॉर टूडे मैम यू टीच वेरी वेल आई डिड ऑनलाइन क्लासेस मैम ड्रॉपअर्ट्स के लिए बताएँ कैसे इलेवन ट्वेल्थ दोनों के लेक्चर्स प्लस जी एल डी अभ्यास को मैनेज करें प्लीज मैम बहुत प्रेशर हो रहा है इसमत सईद बेटा तो अगर ड्रॉपर्स की बात करें तो ड्रॉपर्स को पूरे कंटेंट को इतना डिटेल में और जैसे आ ये वाला जो डीएलरी सेशन है से, ये तो बहुत ज़ीरो लेवल से होते हैं तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ड्रॉपर्स को तो मेन मेन चीज़ें चाहिए चीज़ होती हैं तो आपको तो वन शॉट्स चाहिए और प्रैक्टिस करनी है ड्रॉपर को पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है उस ड्रॉपर को पता है कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैं एक ऐसा सेशन करूंगी या स्पेशल पे या यूट्यूब पे जिसमें बताऊंगी कि कोई भी जो ड्रॉपर है उसको मेनली कैसे फोकस करना है कोऑर्डिनेशन में उसे क्या चीज आनी चाहिए यार अब तो तुम ड्रॉपर हो तो तुमको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक नेचर पे एंड कलर्स वगैरह पे इन पे क्वेश्चन आते हैं तो तुम वो वो चीजें एक्सट्रैक्ट करके पढ़ो जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है और वन शॉट्स पे फोकस करो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है तुमको ठीक है ड्रॉपर्स के लिए मेरा यही ओपिनियन है एनीवेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगी उड़ान यूज करने पर आज रात को बारह बजे से पहले पहले आपको अपू फोर्टीन परसेंट ऑफ मिल रहा है क्योंकि प्राइस एक लाख हो जाएगी लेकिन आज अगर आप उड़ान कोड यूज करते हो तो आपको ये 64, का मात्रा, 51, में मिल रहा है, एक लाख का 51, 49 आपका ये आ रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस हाइक होने वाली है हाइक होने के बाद कटे हुए प्राइजेस है ठीक है करंट प्राइस ये है लेकिन अभी बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहे तो आपको प्राइजेस में सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं ठीक है तो अगर आप इनको हाइकड प्राइजेस से कंपेयर करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि यार ये तो हमको आधी कीमत में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन तो यू विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ हम यलगार रिलोडेड स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम जुलाई 31st बैच की हाइलाइट्स होंगी सारी चीजें बहुत अच्छे से कराई जा रही हैं डीपीपीस दी जा रही हैं प्रैक्टिस कराई जा रही है डाउट डिस्कशंस हो रहे हैं प्रॉपर टेस्ट्स हो रहे हैं मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है वी आर लिविंग नो स्टोन अंडरड वी आर ऑन फायर ठीक है यलगार बैच के लिए क्योंकि मैं तो खुद यलगार में इन्वॉल्व हूँ एंड आई नो हाउ सेंटी आई एम अबाउट यलगार बैच एक कारण नहीं होता जिसकी वजह से यलगार बैच की फाइल पे या यलगार बैच के बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो सके बिकॉज वी वॉन्ट ईच वन ऑफ देम टू तो बी एन आई आर ठीक है तो पूरा जोर लग रहा है अच्छे से लग रहा है एंड सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं अब यहाँ आपके पास मौका है रियलगार थ्री डॉट और रीलोडेड मतलब ये चैप्टर वन से वापस स्टार्ट हो रहा है अब चैप ये ड्रॉपर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम जो अब री कर रहे हैं उसमें हमारे सेशन चार चार घंटे के तीन तीन घंटे के होंगे एंड लेस नंबर ऑफ सेशन इन मोर ड्यूरेशन वाले सेशन होंगे तो उससे हमको स्पीड मिलेगी ठीक है ताकि हम एक महीने में या डेढ़ महीने में हम यलगारियंस जो अभी के यलगारियंस उनके पैरेलल आ सकेंगे आ खड़े होंगे ठीक है तो आपके पास मौका है कि आप यलगार में घुस सकते हो प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट भी है हालांकि यलगार वाले बच्चों को तो भाई साहब तैयार ही रहना है क्योंकि उनका तो नॉर्मल सेशन भी दो घंटे से कम का नहीं होता ठीक है जब हम उनको बनाना चाहते हैं तो देस दोन बनना है तेरे

और ट्यूजडे थर्जे सैटरडे आपका ट्वेल्थ का जेलडी चल रहा है, है? साथ ही लेटमी वर्ल्ड प्ले जे जुड़ जाएगी सब प्यार तर, अच्छे तरीके से प्यारे तरीके से मिल जाते हैं तो आप लाखों बच्चे का बेनिफिट उठा रहे हैं आप भी उनमें से एक बने ऐसा हम चाहते हैं अन जेई पब्लिक चैनल पर जुड़ जाओ क्योंकि कोई भी क्लास होगी उसका भी आपको वही नोटिफिकेशन आएगा जेएलडी uh, अभ्यास रखने वाली हूँ मैं परसों संडे को प्लीज भी नोटिड प्रैक्टिस सेशन रखने वाली हूँ तुम लोगों के लिए एंड ये मुस्कुराते हुए चेहरे और ज्यादा इंक्रीज हों दिल यही चाहता है ये वो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जिन्होंने मेहनत को सक्सेस में बदला है तो दिल यही चाहता है कि इन बच्चों की नंबर दिन ब दिन बढ़ता चला जाए और इसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत हम कर रहे हैं पर मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी ठीक है प्लस पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है हर क्लास में आपको रैंक मिलती है डाउट सॉल्विंग आपकी लाइव होती है इंटरेक्शन आपका लाइव होता है वीकली टेस्ट सीरीज होती है डीपीपीज एंड क्विजेस मिलते हैं वॉट नॉट यार एवरीथिंग यलगार एंड योद्धा बैचेस को आप एनरोल कर सकते हो ठीक है एंड सेकेंडली दो तरह का सब्सक्रिप्शन है प्लस एंड आइकॉनिक जहाँ दोनों में कॉमन फीचर्स वो जो कॉमन फीचर्स मैं बता चुकी हूँ आप रेज हैंड पे बात कर सकते हो आपको सारी डी पी पी टेस्ट क्लासेस लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग सेशन एवरी थिंग आपको मिलेगा यहीं आपको आइकॉनिक में दो तीन चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा जिससे आप एनी टाइम अपने कोई भी क्वेरी कोई भी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर सकते हैं और उसके अलावा आपको रेज हैंड ऑप्शन में मिलेगी प्रायोरिटी यानी कि रेज जो आइकॉनिक लर्नर्स होते हैं वो एडुकेटर से कम्युनिकेट कंपैरेटिवली आसानी से कर पाते हैं तो अगर आप दोनों ही ले सकते हैं कंफर्टेबल है तो आइकॉनिक प्रिफर कीजिए और अगर आपको थोड़ा अनकंफर्ट है तो प्लस प्रिफर कीजिए बट मैं ये बोलूंगी कि अगर आप ट्रूली जेई -E की तैयारी करना चाहते हैं नॉमिनल चार्जेस में तो मैं आपको एक बार फिर से वो स्लाइड दिखा दू कि अगर आप इलेवेंथ क्लास में है तो आपको जितने सब्सक्रिप्शन की जरूरत है वो ये है ठीक है अगर आप फ्यूचर में देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है कब किस चीज की मैं तो ये बोलूंगी दो साल प्लस छह महीने फ्री मिल रहा है ये उठाओ अदरवाइज ये उठा सकते हो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन मेरे ख्याल से नाइनटी नाइन परसेंट मैं इसको प्रेफर करती हूँ ठीक है तो ये सब्सक्रिप्शन आपको फिफ्टी में मिल रहा है अगले ढाई साल के लिए ढाई साल के लिए मतलब कभी आज की डेट में मैं वर्स्ट सर्कमस्टेंस की बात कर रही हूँ

जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ये बातें कि अन अकाडमी जेई चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है आप देख सकते हैं कि टीचर्स खाना नहीं खा रहे हैं सो नहीं रहे हैं यानी क्या हालत हो रही है पेपर डिस्कशन में आप ऑन एंड ऑफ बिहाइंड द सीन्स भी आप देखते हो कि खाना भी खाने की फुर्सत नहीं मिलती है तो जहाँ इतना ग्रुप जो डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ टीचर्स आपके साथ डील कर रहा है वहाँ आप क्यों ना जुड़ें है ना और अपने साथ और भी दोस्तों को जोड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए टाटा बाय बाय आई लव यू ऑल बाय बाय बच्चों लेट्स क्रैक इट इज एचसी फॉर माय बेस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं इट इज बेस्ट फॉर होम साइंस ऑर्गेनिक <laughs> केमिस्ट्री के लिए रोडो मस्त है एकदम ठीक है बाय बाय लव यू ऑल